स्विच केस स्टेटमेंट टॉपिक में अभी तक काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल डिस्कस हो चुके हैं चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं और अब हम यहाँ पर मेन्यू ट्रिवन प्रोग्राम कैसे केस की हेल्प से बनाकर तैयार करते हैं ये समझने वाले हैं तो हमने यहाँ पर लिखा प्रिंटैफ़ और आप सभी को पता है कि प्रिंट एफ़ में डबल कोट में हम जो कुछ भी लिखते हैं वो एज इट इज़ आउटपुट विंडो में डिस्प्ले हो जाता है हमने यहाँ पर लिखा मैन्यू और स्लेसन यहाँ पर भी स्लैश एन तो सभी को पता है कि आउटपुट विंडो में मेन्यू आकर डिस्प्ले हो गया है ओके okay. इसके बाद हमने लिखा प्रिंट एफ डबल कोड में वन ऑप्शन हमने सम के लिए यहाँ पर रखा स्लैश एन फिर हमने लिखा टू सब्सट्रैक्शन के लिए तो सब यहाँ पर लिखा हमने एस यू वी ऑप्शन नंबर थ्री हम देना चाहते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए तो हमने यहाँ पर लिखा मल्टी और ऑप्शन नंबर फोर डिवीजन तो हमने यहाँ पर लिखा डिव ओके okay. और यहाँ पर फोर आप सभी को पता है कि प्रिंट ऐप में हमने जो जो भी लिखा है वो सब कुछ आउटपुट विंडो में एज इट इज आकर डिस्प्ले हो जाएगा एग्जाम्पल को हमने रन किया और यहाँ पर जो जो हमने डबल कोट में प्रिंट में लिखा था आकर डिस्प्ले हो गया है तो सभी को इतना कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा देखिए अभी तक हमने कुछ ऐसा किया है कि यूज़र के सामने एक मेन्यू डिस्प्ले करवा दिया है और ये मेन्यू ये कह रहा है कि यदि यूज़र को ऑपरेशन सम परफॉर्म करना है तो ऑप्शन नंबर वन सेलेक्ट करना होगा यदि यूज़र को सब्सट्रक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो ऑप्शन नंबर टू सेलेक्ट करना होगा यदि मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना है तो ऑप्शन नंबर थ्री सेलेक्ट करना होगा और यदि डिवीजन परफॉर्म करना है तो ऑप्शन नंबर फोर सेलेक्ट करना होगा सर सेलेक्ट कैसे करेगा यूजर जो भी उसे ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो वही नंबर को यहां से प्रेस करेगा इस टाइप से तो सभी को इतना कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा अब हम यहाँ पर एक मैसेज और प्रिंट करना चाहते हैं कि यूजर आपकी चॉइस क्या है इन चारों में से आप बताइए तो एंटर Your choice. स्लेसन अच्छा example को फिर से हम यहाँ पर रन करते हैं अब यहाँ पर एंटर योर चॉइस मैसेज आकर डिस्प्ले हो गया है अब यूज़र यहाँ से one two three four में से कोई भी नंबर एंटर करेगा तो जब यूज़र यहाँ से कोई भी नंबर एंटर करेगा तो उसे हमें स्कैन करके किसी variable में भी तो स्टोर करना होगा तो ऐसा करने के लिए हम एक variable लेने वाले हैं। इंटीजर टाइप का सी ओके okay. और इस सी वेरियबल में जो यूजर वैल्यू एंटर करेगा उसे हम स्टोर करवाएंगे तो ऐसा करने के लिए स्कैन एफ फंक्शन का हमने यूज किया और किस में स्टोर करना है सी वेरियबल में इसलिए एड्रेस ऑफ सी सी किस टाइप का इंटीजर टाइप का इसलिए पर्सेंटेज ऑफ डी सभी को इतना कंसेप्ट बिल्कुल समझ आता होगा अब यूजर यहाँ पर जो भी चॉइस एंटर करता है उसके अकॉर्डिंग हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा यदि यूज़र वन एंटर करता है तो हमें सम ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा यदि यूज़र टू एंटर करता है तो हमें सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा यदि यूज़र थ्री एंटर करता है तो हमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा यदि यूज़र फोर एंटर करता है तो हमें डिवीज़न ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा ठीक है अच्छा जब हमें सम करना है या फिर सब्सट्रैक्शन करना है या फिर मल्टीप्लीकेशन करना है या फिर डिवीज़न करना है तो हमें दो वैल्यू की जरूरत भी तो पड़ेगी जैसे आपको सम करना है तो उसके लिए आपको दो वैल्यू की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको तो सब्सट्रैक्शन तो करना है तो उसके लिए भी आपको दो वैल्यू की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसके लिए भी आपको दो वैल्यू की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको डिवीजन करना है तो उसके लिए भी आपको दो वैल्यू की जरूरत पड़ने वाली है तो अब वो दो वैल्यू हैं उनको स्टोर करने के लिए हम यहाँ पर दो वेरिएबल का यूज़ करने वाले हैं तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल एक्स और दूसरा वेरिएबल वाई लिया वो सभी को इतना कंसेप्ट क्लियर होगा कि एक्स और वाई वेरिएबल क्यों लिया सर वो दो तो वैल्यू को इसमें स्टोर करेंगे जिनमें हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है अब हम दो नंबर को यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं और उन्हें एक्स वाई वेरियबल में स्टोर करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए हमने यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर दिया प्रिंट एफ एंटर नंबर वन जब यहाँ पर यूजर नंबर वन एंटर करेगा तो उससे हमने एक्स वेरिएबल में स्टोर करवा लिया तो ऐसा करने के लिए एड्रेस ऑफ एक्स और यहां पर परसेंटेल ऑफ डी ओके फिर हमने लिखा कि प्रिंट एफ एंटर नंबर टू और जो सेकंड नंबर है उसे हमने वाई वेरिएबल में स्टोर करवा लिया ओके okay. काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है सभी बिल्कुल ध्यान से समझेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं और अब हम यहां पर स्विच केस का यूज करने वाले हैं तो हमने लिखा स्विच और फिर यहां पर केस केस वन केस वन वन नंबर पर हम क्या चाहते हैं कि हमें सम करना है करेक्ट है तो हमने यहां पर लिखा कि केस वन में सर प्रिंट एफ डबल कोड में सम इक्वल परसेंटेल ऑफ डी स्लैश एन कॉमा करके एक्स प्लस वाई करेक्ट है और इतना होने के साथ ब्रेक अब ऑप्शन नंबर टू सब्सट्रेक्शन का है तो हमने यहाँ पर लिखा कि केस टू केस टू प्रिंट एफ डबल कोड में सब इक्वल परसेंटेज ऑफ डी स्लैश एन कॉमा करके एक्स माइनस वाई और इसके बाद ब्रेक फिर इतना होने के साथ केस नंबर थ्री और केस थ्री में हमने लिखा कि मल्टी इक्वल एक्स इन बाय करेक्ट है ओके okay. इतना होने के साथ केस नंबर फोर और केस नंबर फोर पर हमने लिखा कि डिव इक्वल परसेंटेज ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय वाई अब आगे का कंसेप्ट बिल्कुल ध्यान से समझना कि हमने यहां पर लिखा हुआ है एंटर योर चॉइस यूजर यहां से जो भी चॉइस एंटर करेगा वो सी वेरिएबल में आकर स्टोर हो जाएगा अब हमने सी वेरिएबल को यहां पर पुट कर दिया सी वेरिएबल के पास यदि वन है तो केस नंबर वन एग्जीक्यूट हो जाएगा और केस नंबर वन में एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा यदि सी वेरिएबल के पास टू स्टोर है तो इस कंडीशन में केस नंबर टू एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर दो नंबरों में सबस्ट्रक्शन हो जाएगा यदि सी वेरिएबल के पास थ्री स्टोर है तो सर केस नंबर थ्री एग्जीक्यूट हो जाएगा ऐसे ही यदि सी वेरिएबल के पास फोर स्टोर है तो केस नंबर फोर एग्जीक्यूट हो जाएगा चलिए अब एग्जाम्पल को रन करते हैं और यहाँ पर मैसेज आकर डिस्प्ले हो गया है एंटर योर चॉइस तो हमने चॉइस एंटर किया अपना वन एंटर योर चॉइस एंटर करने के बाद हमारे सामने एक मैसेज और आ गया आपको एंटर करना है नंबर वन नंबर वन हमने एंटर करा टू ज़ीरो फिर एंटर नंबर टू नंबर टू हमने एंटर कर दिया फ़ाइव दोनों का एडिशन होकर समल ट्वेंटी फाइव यहाँ पर आकर डिस्प्ले हो गया है तो सभी को कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा और प्रोग्राम का फ्लो चलाते भी बन रहा होगा एग्ज़ाम्पल को फिर से रन करते हैं और अब हमने यहाँ पर चॉइस एंटर किया थ्री फिर एंटर फिर एंटर नंबर वन सिक्स एंटर नंबर टू फाइव दोनों का इंटू होकर क्योंकि एंटर योर चॉइस में क्या एंटर करा हमने थ्री और थ्री में ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा है मल्टीप्लीकेशन तो सिक्स और फाइव का इंटू होकर थ्री जीरो यहाँ पर आकर डिस्प्ले हो गया तो सभी को सर फ्लो बिल्कुल समझ आ रहा होगा चलिए अब हम एग्जाम्पल को फिर से रन करते हैं और हमने यहाँ पर चॉइस एंटर कर दिया फ़ाइव और फाइव नंबर की चॉइस तो है ही नहीं तो यहाँ पर एंटर नंबर वन एंटर नंबर टू नहीं पूछना चाहिए क्योंकि सर जब चॉइस नंबर फाइव है ही नहीं तो वो क्यों ऑपरेशन परफॉर्म करेगा लेकिन अभी यहाँ पर एंटर नंबर वन भी पूछ रहा है हमने एंटर नंबर वन एंटर कर दिया फोर अब यहाँ पर एंटर नंबर टू भी पूछ रहा है एंटर नंबर टू हमने एंटर कर दिया थ्री लेकिन अब यहाँ पर जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ प्रोग्राम से कंट्रोल एग्जिट हो जाएगा कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे पास चॉइस नंबर वन चॉइस नंबर टू चॉइस नंबर थ्री और चॉइस नंबर फोर ही है चॉइस नंबर फाइव कुछ भी नहीं है तो कहने का मतलब ऐसा है कि यदि यूज़र यहाँ पर इन फोर वैल्यू के अलावा कुछ भी एंटर करता है तो फिर उसे दो नंबर नहीं पूछना चाहिए क्योंकि उन दो नंबरों का कोई भी यूज़ नहीं है तो सभी को समझ आ गया होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं क्या कहा हमने कि यूज़र वन टू थ्री फ़ोर के अलावा यदि कोई भी नंबर यहाँ पर एंटर करता है चॉइस के केस में तो इस कंडीशन में एंटर नंबर वन एंटर नंबर टू ये जो मैसेज है ना ये आकर डिस्प्ले नहीं होना चाहिए वैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाना चाहिए जैसे ही वो क्या करता है वन टू थ्री फोर के अलावा कोई भी नंबर चॉइस में एंटर करता है सभी को पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा तो सर ऐसा हम कैसे करेंगे तो ऐसा करने के लिए हमने यहाँ पर लिखा कि यदि c की वैल्यू इज़ लेस देन इक्वल फोर है तो ही सर हमें एंटर नंबर वन एंटर नंबर टू करना है और ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो ये पूरा कोड हमने इफ़ में लिख दिया अदरवाइज़ मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए कि इन वैलिड चॉइस तो यहाँ पर लिख दिया इन वैलिड चॉइस चलिए अब एग्ज़ाम्पल को रन करते हैं और एंटर योर चॉइस मैसेज आकर डिस्प्ले हो गया है हमने यहाँ पर चॉइस एंटर कर दिया सेवन तो यहाँ पर इनवैलिड चॉइस मैसेज आ गया है और अब प्रोग्राम यहाँ पर टर्मिनेट हो गया है तो यहाँ पर एंटर नंबर वन एंटर नंबर टू मैसेज नहीं आया चलिए एग्जाम्पल को फिर से रन करते हैं एंटर योर चॉइस में हमने एंटर कर दिया टू टू में सब्सट्रक्शन होने वाला है नंबर वन हमने एंटर करा टेन नंबर टू हमने एंटर कर दिया थ्री दोनों का सबसेक्शन होकर यहाँ पर सेवन आकर डिस्प्ले हो गया तो देखो जब हमने चॉइस टू एंटर करा तब उसने एंटर नंबर वन एंटर नंबर टू पूछा प्रीवियस में अभी उसने नहीं पूछा था ओके okay. तो एग्जाम्पल को फिर से रन करते हैं और अब हमने यहाँ पर चॉइस एंटर कर दिया इलेवन तो अब एलेवन तो उसके रेंज में नहीं है तो क्या बोलेगा इनवेलिड चॉइस और अब यहाँ से प्रोग्राम ट हो गया तो सभी को फ्लो बिल्कुल समझ आ रहा होगा अब आगेगा कंसेप्ट बिल्कुल ध्यान से अब हम एग्जाम्पल को फिर से रन करते हैं और हमने यहाँ पर चॉइस एंटर कर दिया माइनस थ्री क्या माइनस थ्री नंबर का कोई केस है हमारे पास नहीं सर लेकिन यहाँ पर वो अभी भी पूछेगा एंटर नंबर वन एंटर नंबर वन हमने एंटर कर दिया फोर्टी वन एंटर नंबर टू हमने एंटर कर दिया ट्वेंटी नाइन लेकिन सर माइनस थ्री नंबर का कोई केस हमारे पास नहीं है इसलिए यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला नहीं है हमारा प्रोग्राम अभी टर्मिनेट हो जाएगा तो हमने जैसे एंटर प्रेस करा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया तो सर माइनस वाला केस तो हमारे पास नहीं है इसलिए हम यहाँ पर कंडीशन लगा देते हैं कि सी की वैल्यू सर जो है ना वो फोर से तो कम होना चाहिए और फोर के इक्वल होना चाहिए लेकिन सी का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए किसके वन के भी और एंड तो आई थिंक सभी को ये कंडीशन क्लियर होगी कि सी की वैल्यू क्या है सर ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए वन एंड सी का वैल्यू लेस देन इक्वल होना चाहिए हो। फोर तो अब यहाँ पर सी का वैल्यू आप माइनस एंटर करोगे तो वो बिल्कुल भी नहीं पूछेगा एंटर नंबर वन एंटर नंबर टू जैसे अभी वो पूछ रहा था तो आप सभी को ये कंडीशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सी की वैल्यू या तो वन होगी या फिर वन से ज़्यादा होगी ग्रेटर देन इक्वल वन उसके साथ साथ सी की वैल्यू या तो फोर के इक्वल होगी या फिर फोर से कम होगी तो सर जब ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होगी तब ही इफ के बॉडी का कोड एग्जीक्यूट होगा अदरवाइज़ वो एल्स के पास चला जाएगा जैसे यहाँ पर आपने नेगेटिव नंबर एंटर कर दिया माइनस फाइव तो क्या माइनस फाइव इज़ ग्रेटर देन इक्वल वन है नो सर माइनस फाइव वन से बड़ा थोड़ी ना होता है तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गई तो जैसे ही यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स के पास चला जाएगा और इनवेलिड चॉइस मैसेज आकर डिस्प्ले हो जाएगा तो सभी को इतना फ्लो बिल्कुल समझ आ गया होगा चलिए अब एग्जाम्पल को रन करते हैं और हमने यहाँ पर एंटर कर दिया माइनस फाइव तो यहाँ पर इनवेलिड चॉइस मैसेज आकर डिस्प्ले हो गया है एग्जाम्पल को हमने फिर से रन किया और हमने एंटर कर दिया यहाँ पर थ्री तो यहाँ पर थ्री एंटर करने पर दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन होगा दो नंबर हमने एंटर कर दिए फाइव और सेवन तो थर्टी फाइव यहाँ पर आकर डिस्प्ले हो गया है अच्छा आप सभी को ये तो पता ही है कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर है और लॉजिकल एंड ऑपरेटर के, के केस में यदि एक भी कंडीशन फॉल्स हो तो आउटपुट फॉल्स आता है जब सर सारी कंडीशन ट्रू हो तो आउटपुट में ट्रू आता है करेक्ट है तो जब हमने यहाँ पर एंटर करा माइनस फाइव तो माइनस फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल वन क्या माइनस फाइव वन के इक्वल होता है या फिर वन से बड़ा होता है सर यहाँ पर कंडीशन फॉल्स है क्योंकि माइनस फाइव तो वन से छोटा होता है जब यहाँ पर कंडीशन फॉल्स है तो इफ़ के बॉडी का कोड एक्सीक्यूट नहीं होगा सीधे एल्स के पास जाएगा और इनवैलिड वैलिड चॉइस मैसेज आकर डिस्प्ले हो जाएगा अच्छा जब हमने एंटर करा थ्री तो थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल वन सर थ्री तो वन से बड़ा ही होता है कंडीशन यहाँ पर क्या है सर ट्रू है और फिर यहाँ पर थ्री इज़ लेस देन इक्वल फोर थ्री फोर से छोटा भी होता है सर करेक्ट है कंडीशन यहाँ पर तो यहाँ पर सर दोनों ही कंडीशन ट्रू है थ्री के केस में तो अब वो इफ के बॉडी के अंदर जाएगा और इफ के बॉडी के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा अब यदि हम सी का वैल्यू एंटर करते हैं सेवन तो जब हमने सेवन एंटर किया तो सेवन इज ग्रेटर देन इक्वल वन हाँ सर सेवन वन से बड़ा तो होता है कंडीशन यहाँ पर ट्रू है अब यहाँ पर कंडीशन चेक करते हैं क्या सेवन फोर से छोटा होता है सर नो no सर तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गई और एंड ऑपरेटर के केस में यदि एक भी कंडीशन फॉल्स है तो सर फॉल्स ही आता है तो यहाँ पर इफ का बॉडी का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा एल्स का कोड एग्जीक्यूट होगा और इनवैलिड चॉइस मैसेज आकर डिस्प्ले हो जाएगा एग्जाम्पल को हमने रन किया यहाँ पर हमने एंटर कर दिया सेवन इनवैलिड चॉइस मैसेज आकर डिस्प्ले हो गया और आप सभी को बिल्कुल फ्लो चलाते बन रहा होगा देखिए हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि अभी हमने एग्जाम्पल को रन किया और हमने एंटर कर दिया यहाँ पर टू एंटर नंबर वन किया हमने टेन एंटर नंबर टू हमने एंटर कर दिया फ़ोर दोनों का सब्स्ट्रैक्शन होकर सिक्स आकर डिस्प्ले हो गया है लेकिन अब यदि हम यहाँ पर कोई भी की प्रेस करते हैं तो हमारा प्रोग्राम यहाँ से एग्जिट हो जाएगा लेकिन हम ऐसा चाहते हैं कि हमें और ऑपरेशन परफॉर्म करना है जैसे हम चाहते हैं हमें सम करना है हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम ऐसा कैसे करेंगे पॉइंट क्लियर है हम क्या चाहते हैं सर अभी हमारा प्रोग्राम यहाँ से एंड नहीं होना चाहिए हमें और ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम कैसे करेंगे लेकिन अभी के केस में हमारा प्रोग्राम यहाँ से एग्जिट हो जा रहा है तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ पर गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे और हम ऐसा चाहते हैं कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद ये वाला मेन्यू फिर से आकर डिस्प्ले होना चाहिए और फिर से हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो इस प्लेस का हमने लेवल सेट कर दिया एम आप कुछ भी नाम यहाँ पर रख सकते हैं और फिर इतना होने के बाद देखो हम चाहते हैं कि सर जैसे ही सबस्ट्रक्सन होगा उसके बाद फिर से वो मेन्यू आकर डिस्प्ले हो जाना चाहिए मेन्यू के लिए जो हमने लेवल सेट करा है वो एम है तो हमने यहाँ पर लिख दिया गो टू हो जाना चाहिए एम तो आई थिंक सभी इस कोड को ध्यान से देखेंगे तो कन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा जैसे यहाँ पर सब्सट्रक्शन होगा फिर गो टू एम हो जाएगा और गो टू एम हो जाएगा मतलब एम कहाँ पर है सर ये वाला तो ये वाला मैन्यू फिर से आकर डिस्प्ले होगा और फिर से ये यहाँ से कोड कंटिन्यू एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा तो फिर से वो पूछेगा एंटर योर चॉइस फिर ऑपरेशन वो होगा वगैरह वगैरह ओके अच्छा मेन्यू फिर से कब आकर डिस्प्ले होगा सिर्फ और सिर्फ सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद क्योंकि हमने इसके बाद ही तो गो टू एम लिखा है क्या एडिशन के बाद लिखा है गो टू एम नहीं तो जब हम सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसके बाद ही फिर से मेन्यू आकर डिस्प्ले होगा अदर ऑपरेशन के, के केस में अभी फिर से मेन्यू आकर डिस्प्ले होने वाला नहीं है चलिए अब एग्जाम्पल को रन करते हैं और एंटर योर चॉइस हमने यहाँ पर एंटर कर दिया टू एंटर नंबर वन हमने किया टेन एंटर नंबर टू हमने कर दिया सेवन तो दोनों का सब्सट्रैक्शन होकर यहाँ पर थ्री आकर डिस्प्ले हो गया है थ्री डिस्प्ले होने के बाद फिर से मेन्यू आकर डिस्प्ले हो गया है मेन्यू क्यों आकर डिस्प्ले हुआ क्योंकि सब्सट्रैक्शन के बाद हमने लिखा हुआ है गो टू हो जाना चाहिए एम अच्छा अब हमने यहाँ पर चॉइस सेलेक्ट कर लिया वन और एंटर नंबर वन हमने किया टेन एंटर नंबर टू हमने कर दिया ट्वेंटी दोनों का एडिशन होकर थ्री जीरो पर आकर डिस्प्ले हो जाएगा लेकिन सम होने के बाद यहाँ पर फिर से मेन्यू आकर डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि सम के बाद थोड़ी ना हमने लिखा हुआ है गो टू एम सभी को इतना कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अब हम ऐसा चाहते हैं कि सम ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद भी मेन्यू आकर डिस्प्ले होना चाहिए तो हमने यहाँ पर लिख दिया गो टू एम हम चाहते हैं सर मल्टीप्लीकेशन के बाद भी मेन्यू आकर डिस्प्ले होना चाहिए तो हमने यहां पर लिख दिया गो टू एम हम ऐसा चाहते हैं सर डिवीज़न के बाद भी मेन्यू आकर डिस्प्ले होना चाहिए तो हमने लिख दिया यहाँ पर गो टू एम तो सभी को इतना कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा चलिए अब एग्जाम्पल को रन करते हैं और यहाँ पर हर एक ऑपरेशन के परफॉर्म होने के बाद फिर से मेन्यू आकर डिस्प्ले हो जाएगा एंटर योर चॉइस हमने अभी के यहाँ पर वन और एंटर नंबर वन टेन एंटर नंबर टू फोर जीरो दोनों का एडिशन होकर फाइव जीरो आकर डिस्प्ले हो गया है और फिर से हमारे सामने मेन्यू भी आकर डिस्प्ले हो गया है अब हमने यहाँ पर चॉइस सेलेक्ट कर लिया सर थ्री और एंटर नंबर वन सेवन एंटा नंबर टू एट और दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर फिफ्टी सिक्स यहाँ पर आकर डिस्प्ले हो गया है और फिर से मेन्यू आकर यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है तो इस तरीके से यहाँ पर बार बार मेन्यू आकर डिस्प्ले होते जाएगा और हम ऑपरेशन परफॉर्म करते जाएंगे अब हमने यहाँ पर चॉइस एंटर कर दिया फ़ाइव और फाइव तो है नहीं सर तो इस कंडीशन में इनवैलिड चॉइस और अब हमारा प्रोग्राम यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा तो सभी को इतना फ्लो भी बिल्कुल क्लियर होगा अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट बिल्कुल ध्यान से समझना कि जब भी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद गो टू हो जा रहा है एम अच्छा जब यहाँ से ही कंट्रोल गो टू एम मतलब मेन्यू के पास पहुँच जाएगा तो क्या कभी वो ब्रेक के पास आएगा जैसे यहाँ पर लिखा है गो टू एम तो यहाँ से कंट्रोल सीधा मेन्यू के पास चला गया तो ब्रेक के पास तो कभी आने ही वाला नहीं है ना सेम यहाँ पर ब्रेक के पास कभी नहीं आएगा सेम यहाँ पर भी ब्रेक के पास कभी आने वाला नहीं है तो यहाँ पर जो हमने फोर टाइम्स ब्रेक लिखा हुआ है सिर्फ वहाँ पर कंट्रोल कभी भी नहीं आएगा क्योंकि गो टू एम होने से कंट्रोल पहले ही वो मेन्यू के पास चला जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेक यहाँ पर बिना मतलब लिखा हुआ है तो कल याद है जब हमने टू टाइम्स कंटिन्यू ब्रेक लिखा था तो इस कंडीशन में अनरिचेबल कोड वार्निंग मैसेज आकर डिस्प्ले हो गया था तो सर यहाँ पर भी वार्निंग मैसेज ये आकर डिस्प्ले होने वाला है अच्छा हमने फोर टाइम्स ब्रेक यहाँ पर बिना मतलब लिखा हुआ है तो एग्जाम्पल तो को अब हम करते हैं कंपाइल एग्जाम्पल को हमने कंपाइल करा तो फोर वार्निंग मैसेज यहाँ पर आकर डिस्प्ले हो गए और फोर वार्निंग मैसेज यही कहेंगे सर अनरिचेबल कोड आपने बिना मतलब फोर टाइम्स ब्रेक का यूज़ किया हुआ देखो एक दो तीन और चार सभी को इतना कंसेप्ट समझ आता होगा तो अब हम यहां से इन ब्रेक को हटा देते हैं इसे भी हटा दिया इसे भी हटा दिया इसे भी हटा दिया और इसे भी हटा दिया तो अब जो वार्निंग मैसेज आ रहा था ना अब नहीं आएगा एग्जाम्पल को हमने कंपाइल करा देखो जीरो वार्निंग और जीरो एरर अब हमने एग्जाम्पल को रन कर दिया एंटर योर चॉइस हमने करा टू एंटर नंबर वन टेन एंटर नंबर टू एट सब्सट्रेक्शन होकर टू आकर डिस्प्ले हो गया और फिर से मेन्यू आकर डिस्प्ले हो गया है एंटर योर चॉइस हम कर देते हैं वन एंटर नंबर वन टू जीरो एंटर नंबर टू फोर जीरो दोनों का एडिशन होकर सिक्स जीरो आकर डिस्प्ले हो गया है और फिर से मेन्यू आकर डिस्प्ले हो गया अब एंटर योर चॉइस हमने करा फाइव फाइव नहीं है इनवैलिड चॉइस और अब हमारा प्रोग्राम यहाँ पर एंड हो गया है तो सभी को बिल्कुल फ्लो समझ आया होगा और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है सभी को मजा आए होंगे तो सभी इस एग्जाम्पल को कंप्लीट ध्यान से नोट करेंगे और बिल्कुल समझ तो ये नोट करेंगे छोटा सा ये एग्ज़ाम्पल है हाँ जी ओके और सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ही होगा यदि समझ नहीं आया है ना तो फिर से एक बार वीडियो ध्यान से कंप्लीट देखेंगे तो कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा मतलब टारगेट तो यही होना चाहिए कि हमें समझना ही है फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि बिना देखे पूरा प्रोग्राम कंप्यूटर में इंप्लीमेंट कर कर भी देखना है कि क्या आप बिना देखे प्रोग्राम को प्रॉपर इंप्लीमेंट कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते सभी को अच्छे तरीके से मेहनत करनी है हाँ जी